सेकेंड पॉइंट हमारा है वो क्या है, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। देखिए क्या था 1921 से और 1900 पॉइंट डालेंगे पहले, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। देखिए यह जो काल था 1921 से 1951 ईस्वी का जो समय था उसको माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले जो जनसंख्या थी वह किस प्रकार की थी, स्थिर थी। देखिए बिल्कुल लिखा भी हुआ है 1901 से 1921 का समय था, स्थिर जनसंख्या थी। 1921 से 1951 का था, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या थी। तो 1921 से अगर हम पहले की बात करें तो क्या थी, उस समय जो हमारी जनसंख्या थी वो किस प्रकार की थी, उससे पहले जो जनसंख्या थी किस प्रकार की थी, स्थिर थी। स्थिर तीन दशकों की अगर हम बात करें तो हमारी जो जनसंख्या है उसमें 11 करोड़ की वृद्धि हुई। तीन दशक, देखिए दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, और इन तीन दशक में हमारे यहाँ जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 11 करोड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। मुख्य कारण क्या था, अकाल थी, महामारियों पर नियंत्रण पा लिया था, जिसके कारण हमने क्या किया था, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया था। देखिए पहले महामारियाँ आती थी, लेकिन हमने अगर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर लिया, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से क्या होता है कि हमने मृत्यु दर को क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया, और तीन दशक में जनसंख्या में कितनी और बढ़ोतरी हो गई, 11 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन इस अवधि में हमने मृत्यु दर को तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन जन्म दर उसी दर से क्या थी, बढ़ रही थी। जन्म दर उसी दर से बढ़ रही थी, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया लेकिन जन्म दर बढ़ रही है, जिसके कारण भी जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। हमने जन्म को नियंत्रित नहीं किया लेकिन मृत्यु दर को क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। अब मृत्यु दर जब नियंत्रित होगी तो जन्म दर उसी अनुपात में बढ़ेगा, तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। जन्म लेने वाले तो उतने ही हैं लेकिन जो मृत्यु दर थी उसको हमने क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तो जिसके कारण क्या हुई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। 1921 का जो समय था उसको भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान विभाजक वर्ष माना जाता है। 1921 को क्यों माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जनसंख्या कैसी थी, स्थिर थी, और 1921 के बाद क्या थी, जनसंख्या में धीरे धीरे क्या हो गई थी, बढ़ोतरी या जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती थी। दूसरे दशक की बात करें, मृत्यु दर थी 49 प्रति हज़ार, जो घटकर पाँचवीं दशक तक कितनी हो गई थी, 27 प्रति हज़ार। हज़ार पर पहले कितनी थी, 49 थी, 49 इतनी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको नियंत्रित कर दिया, और तीन दशक बाद क्या हो गए, पाँचवें दशक में वह कितनी हो गई थी, 27 प्रति हज़ार हो गई थी। तीसरे दशक की अगर हम बात करें, सामाजिक हित, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमने क्या किया, अधिक ध्यान दिया, और हमने जो संक्रामक रोग थे उनको नियंत्रित कर दिया। तीसरा जो दशक है 1930 के समय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ, हमने संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर लिया, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, खाद्यान्न उत्पादन बढ़े, अकाल जो बार बार आते थे उन पर की तीव्रता पर हमने क्या पा लिया, काबू पा लिया, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था कि मृत्यु दर में कमी आना। जनसंख्या तो जन्म दर तो उसी दर में बढ़ रही थी लेकिन हमने क्या कर लिया था, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया था, और जैसे ही मृत्यु दर नियंत्रित हुई जनसंख्या में क्या हुई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जन्म दर को हमने नियंत्रित नहीं किया, हमने नियंत्रित किसको किया, मृत्यु दर को नियंत्रित किया, इसलिए जनसंख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तीसरी बात करते हैं, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। तीसरा है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। देखिए भारत क्या हो गया, आज़ाद। भारत क्या हो गया अब, आज़ाद। और भारत आज़ाद हुआ तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या की, लागू की। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या 1951 से 1981, यह जो समय है माना जाता है 1951 से 1981 का समय माना जाता है। इस दौरान जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र गति से क्या हुई थी, वृद्धि
वृद्धि हुई थी। रीजन क्या था, मृत्यु दर को हमने क्या कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था, लेकिन जन्म दर का स्थिर रहना भी एक मुख्य कारण था जो जनसंख्या में क्या की, जिसने वृद्धि की। और इस अवधि में भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई, दुगनी हो गई। इस अवधि में भारत की जो जनसंख्या थी कितनी हो गई, दुगनी हो गई। कारण क्या था, मृत्यु दर को तो नियंत्रित कर लिया लेकिन जन्म दर उसी अनुपात में बढ़ती गई, इसलिए जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई। और यही कारण है कि इस अवधि में जो जनसंख्या थी वो कैसी हो गई, दुगनी हो गई। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हमने क्या किए, बहुमुखी कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसके कारण हम क्या कर सकें, देश का विकास कर सकें। कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, उसमें क्या आई, तीव्रता आई, तीव्रता से विकास हुआ। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया, जिससे महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला उसका, रिजल्ट ये निकला कि मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया गया, या हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर में क्या आई, कमी आई। स्वतंत्रता के समय जो मृत्यु दर 27/1000 थी, अब वर्तमान समय 1980 या 81 में घटकर कितनी रह गई, 15/1000। देखिए 1951 के समय कितनी थी, 27/1000। जो मृत्यु दर और जन्म दर होती है प्रति हज़ार पर काउंट की जाती है। 1921 में कितनी थी, 49। 1951 में 27, 1981 में 15/1000 मृत्यु दर। तो हमने क्या किया, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया, मृत्यु दर में गिरावट आ गई। नहीं, पहले 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें 49 जो बच्चे होते थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो हमने क्या किया, उस मृत्यु दर को क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो 1981 की अगर हम बात करें तो जो मृत्यु दर थी कितनी रह गई, 15 रह गई। और 1991 की अगर हम बात करें तो उस समय 10/1000 क्या रह गई, हमारे मृत्यु दर को बिल्कुल नियंत्रित कर लिया गया और कह सकते हैं कि 10/1000 रह गई। अब बात करते हैं 10/1000 रह गई जन्म दर, कह सकते हैं इसके अनुरूप जन्म दर नियंत्रित हुई और जनसंख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। 1981 से 91 के दौरान की अगर जन्म दर में क्या आई, कमी आई। और इसकी अगर हम बात करें 1981 में दशकीय किसकी वृद्धि जन्म दर की 37.2 थी, जो घटकर 1991 में 32/1000 रह गई। और 2000 अगर हम एक की बात करें 26/1000 रह गई। इसी प्रकार से जनसंख्या में भी जन्म दर में भी क्या हुआ, विगत दो दशकों में क्या आई थी, कमी आई थी या उसको नियंत्रित कर लिया गया था। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार जनसंख्या में हार्श या कमी की प्रवृत्ति को दृष्टिगोचर किया गया, कि मृत्यु दर को तो हमने नियंत्रित कर लिया गया, उसके साथ धीरे धीरे हमने जन्म दर को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार ऐसा हुआ कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में हार्श की प्रवृत्ति देखने को मिली थी। और लास्ट हम बात करेंगे, चौथी बात करेंगे किसकी, 1981 से वर्तमान समय तक की। 1981 के बाद कम होती जनसंख्या वृद्धि, चौथा पॉइंट। 1981 के बाद कम होती जनसंख्या वृद्धि, 1981 के बाद कम होती जनसंख्या वृद्धि। देखिए क्या हुआ, 1981 चौथी अवस्था, देखिए जो जनसंख्या जनानकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं चलती हैं वो अवस्थाएं चलती हैं, तो भारत तीसरी अवस्था को छोड़कर चौथी अवस्था में, नेक्स्ट हम आगे हम बात करेंगे जो अवस्थाएं होती हैं किस प्रकार से होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो तृतीय अवस्था होती है वहाँ तक जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, चौथी अवस्था जैसे होती है जनसंख्या स्थिर में प्रारंभ हो जाती है, और कुछ विद्वान पाँचवीं अवस्था भी मानते हैं जिसमें जनसंख्या नकारात्मक हो जाती है। चौथी अवस्था घटती जनसंख्या वृद्धि का सूचक होती है या घटती जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इससे पूर्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पाँच दशकों में जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा,
और उसके बाद हमने क्या किए, सरकारी प्रयास किए, शैक्षणिक विकास किया, जागरूकता की, जिसके कारण 1981 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि में घटती हुई प्रवृत्ति का रुख देखने को सामने आया। इस अवधि में हमने क्या किया था, मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर को भी नियंत्रित कर लिया था। पहले हमने मृत्यु दर को ही नियंत्रित किया था, लेकिन साथ साथ हमने जन्म दर को भी नियंत्रित कर लिया था। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो भारत हम कह सकते हैं कि जनानकीय संक्रमण की चौथी अवस्था की ओर क्या है, अग्रसर हो रहा है। और ऐसा मानना है कि भारत वर्तमान समय में तीसरी अवस्था के अंतिम चरण में चल रहा है और 2020 के आसपास वह चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। देश में जनसंख्या वृद्धि की जो वर्तमान दर है 1.64 है और 2026 में 0.9% रह जाने की संभावना है। और इस प्रकार 2011 की जो कुल जनसंख्या थी 121.05 करोड़ थी, 2026 में 140 करोड़ हो जाएगी। तो जिस गति से जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है उस गति से नहीं होगी, क्योंकि 2011 की अगर आप बात करें कितनी है, 121.05 करोड़, लेकिन 2026 तक जो हमारी जनसंख्या है उसमें क्या कितनी कम बढ़ोतरी पाएगी, 140 करोड़ रह जाएगी। तो जिस गति से वृद्धि हो रही है उस गति में क्या आएगी, कमी आएगी। 2011 में 121.5 करोड़ थी और 2026 में मात्र कितनी रहेगी, 140 करोड़ भारत की जनसंख्या रहेगी। तो ये हमने बात की थी आज भारत की जनसंख्या की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, कि कौन सा जो काल था वो किस समय जनसंख्या में अधिक बढ़ोतरी रही, किस समय जनसंख्या में कम बढ़ोतरी रही थी, या स्थिर जनसंख्या किस समय रही। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो जनसंख्या उसका जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है। सही है, भारत की जनसंख्या का जनसंख्या विभाजक वर्ष का आप बताएंगे, जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है, कौन से सन को हम बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे 2011 के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। और सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप बताएंगे कि मुझे क्रम बताएंगे, विश्व में जो देश हैं उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्रम बताएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, कि पांच जो क्रम है वो पहले नंबर पे कौन सा देश है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे चौथे और पांचवे पर कौन कौन से देश की स्थिति आती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।